हम पहले तो ये स्वीकार करके चले कि ये बहुत बड़ी शक्ति है, और फिर हमारी जितनी व्यवस्थाओं को हम विकसित करेंगे उनमें हमें, मान लीजिए हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है, आज भी एग्रीकल्चर सेक्टर में गांव में महिलाएं काम करती हैं। अगर उनको स्किल डेवलपमेंट हो, उनको थोड़ा आधुनिक विज्ञान से जोड़ा जाए, और वो इतनी बारीकी से काम करती हैं कि आप देखिए कि आपके एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत बड़ा बदलाव आएगा, ये मेरा विश्वास है। एक उदाहरण दिखाता हूं, गुजरात में हम लोगों ने एक बाड़ी प्रोजेक्ट किया, ये मेनली ट्राइबल परिवारों के लिए है, और जब अब्दुल कलाम जी देश के राष्ट्रपति थे तो स्पेशली उनके जन्मदिन को उन्होंने हमारे इस वाड़ी प्रोजेक्ट के अंदर बिताया था, और उन्होंने मुझे यह भी कहा था कि मोदी जी आप भी मेरे साथ नहीं रहेंगे, मैं अकेला जाना चाहता हूं, और उनको एक व्यवस्था हमने की थी। आदिवासी किसान के पास एक एकड़ दो एकड़ भूमि होती है, वो भी हिली एरिया होता है तो समतल जमीन नहीं होती। उस वाड़ी प्रोजेक्ट के नाम में के पहले जो भी अवस्था थी उसमें वो मुश्किल से साल में 12,000-15,000 कमाते थे वो परिवार, और उसमें भी पुरुष का कोई ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं था। हम लोगों ने इस वाड़ी प्रोजेक्ट में इन महिलाओं को ट्रेनिंग दी, और धीरे धीरे अच्छी खेती कैसे हो सके, आपको आनंद होगा कि भूमि उतनी ही है लेकिन वो काजू की खेती करने में लगे, और आज जो 10-12 हजार रुपये मुश्किल से कमाते थे वो 1.5-2 लाख कमाते हैं, और आज मुंबई के बाजार में ये हमारे वाड़ी प्रोजेक्ट के द्वारा मेरी ट्राइबल बहनों ने जो काजू की खेती की है वो काजू पैकेट बनकर के बिक रहे हैं, और वैल्यू एडिशन का काम उन्होंने किया है, चेन बनाई है पूरी, पैकिंग कर करके वो बेचते हैं और कमाते हैं। हमारे यहां दाहोद डिस्ट्रिक्ट है, दाहोद डिस्ट्रिक्ट पूरा ट्राइबल बेल्ट है, वहां पर गुजरात के अंदर खेतर शब्द है, जहां फार्म के लिए गुजराती शब्द है खेतर, कोई भी कहेगा क्या गए, कहां गए, खेतर में गए, खेत खेती करने गए हैं, जिसको हमारे यहां खेत बोलते हैं हिंदी में। लेकिन वो एक डिस्ट्रिक्ट ऐसा है कि पिछले 10 साल में वहां खेत शब्द निकल गया है, वो फुलवाड़ी शब्द बोलते हैं। हम पूछेंगे कहां गए तो बोले फुलवाड़ी गए, क्यों, तो उन बहनों ने फूलों की खेती में इंटरेस्ट लिया, और आज तो दुनिया भर से वो अनेक भांति भांति के फूल लाते हैं, और मुंबई में उन्होंने अपना मार्केट खड़ा कर दिया है, वो फूल वहां करते हैं और मुंबई में बिक्री हो इसके लिए वो चिंता करते हैं। यानी पहले भी खेती में थे लेकिन अपग्रेडेशन हुआ, वैल्यू एडिशन हुआ, वो परिवर्तन ला रहे। आज हिंदुस्तान का एजुकेशन एंड हेल्थ सेक्टर करीब करीब माताओं के हाथ में है। आप अगर टीचर्स कॉन्फ्रेंस करें तो पुरुषों के लिए रिजर्वेशन रखना पड़ेगा, भी ये 10 सीटें पुरुषों के लिए, बाकी पूरा हॉल महिलाओं के लिए होता है। यानी ये चीजें, इन चीजों को हम जहां जैसी अवस्था है अगर हम उसको योजना करें। हमने एक प्रयोग किया, अब ये जब मैंने विषय मेरे यहां रखा था तो थोड़ी मेरे यहां जरा कठिनाई थी। हमने कहा भाई गिर लायन हमारा जो फॉरेस्ट है, हम टूरिज्म को बढ़ावा देना चाहते हैं, क्या फॉरेस्ट के बिट गार्ड लड़कियां हो सकती हैं? अब मुझे कल्पना करो, शेर के बीच में रहना है, जंगल में रहना है, और रास्ते आते जाते शेर मिलते रहते हैं वहां, और वहां बिट गार्ड गर्ल हो सकती है? मैंने विषय लगा, मेरे सारे अवसर तिल मिला है साहब, ये क्या आप कर रहे हो। आप कभी गिर फॉरेस्ट आए तो देखना, गिर फॉरेस्ट में लायन को दिखाने के लिए वो लड़कियां ले जाती हैं, और 1 फुट दूरी से लायन के साथ आपको फोटो निकलवा के ले आती है। ये इनका सामर्थ्य का, और वहां जो भी आते हैं वो शेर को तो देख के प्रभावित होते हैं लेकिन ज्यादा उस लड़की को देख करके प्रभावित होते हैं, उसको आनंद होता है कि मेरे हिंदुस्तान के अंदर कोई बच्ची ऐसी है जो शेर दिखाने के लिए शेरों के बीच घूमती हैं। ये चीजें बहुत बड़ा प्रभाव पैदा करती है जी, और इसलिए बड़ी कुशलता के साथ हम जोड़ सकते हैं।